गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त पोलीस स्टेशन सालेकसा येथील पोलिसांना बनावट धाड टाकून 3 युवकांना प्रकरणात गोवणे आणि त्यांच्याकडून पैसे वसूल करणे भोवले असून या प्रकरणातील 5 पोलिसांना निलंबित करण्यात आल्यानं जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून रक्षकच भक्षक झाल्याचे दिसून आले. उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या अहवालानुसार या प्रकरणी तपास करून या 5 पोलिसांच्या विरुद्ध जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्वा पानसरे यांनी सहायक पोलीस निरीक्षक अशोक धाबळे पोलीस नायक प्रमोद सोनवणे पोलीस नायक अनिल चक्रे शिपाई संतोष सुटे शिपाई मधु सोनी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुन्हा पोलिसांची प्रतिमा जनतेसमोर मलिन झाली असून आता पोलिसांवर विश्वास ठेवावा की नाही असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. मेरा नाम विशाल रामदास दसरिया है. मैं मुंडीपार में रहता हूँ. मेरे पुलिस वाले से बहुत अच्छे संबंध थे मधु सोनी से. उनने मुझे 6 तारीख को सुबह थाने में बुलाए थे कुछ काम से. बोले गाड़ी लेके आना. मैं गया 4-व्हीलर लेके. उनने मुझे बिना बताए सेकंड मंजिल में जो जब्त दारू होती है उन वहाँ से 10 पेटी दारू निकाल के उन्होंने मेरी गाड़ी में खुद डाल दिए. उसके बाद में उसे मुझे कहीं छुपाने के लिए कहा. मैंने जब उन्हें मना किया कि मैं छुपाता नहीं सर ऐसे काम हम करते नहीं. उन्होंने कहा पुलिस वालों का माल है इसे कोई कुछ नहीं करेगा इसे सेफ रख देना इसे हम आके 2-3 दिन में ले जा लेंगे. मैं आया और एक खेत में छुपा कर रख दिया मैंने 6 तारीख को. अगले दिन 7 तारीख को रात में इन्हीं पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बोलने लगी ये दारू तुम बेचते हो ऐसा वैसा. मैंने उन्हें बोला भी कि मैं दारू का काम नहीं करता सर ये ठाने की दारू है आप तो सब जानते हो. फिर भी उन्होंने मुझे मारपीट की मेरा फोन छीन लिए मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ठाने ले गए और पैसा मांगने लगे. अब इज्जत के कारण अपना अपने बचाव के हिसाब से हम लोगों ने उन्हें 1 लाख रुपए भी दिए जिसमें 70,000 रुपए जगह पे कैश दिए थे हमने लाके. उसके बाद जब ठाने गए तो वहां भी 30,000 रुपए की मांग की. तो फिर 30,000 हमने उन्हें दूसरे दिन अगले दिन मधु सोनी को 15,000 रुपए कैश और 15,000 उनके फोन पे में डाल के उन्हें उनका 1 लाख रुपए हमने दे दिए. फिर मेरे ऊपर केस वेस कुछ भी नहीं हुआ पर मेरे पास उनकी वीडियो थी. जब वो मुझे दारू दे रहे थे तो मैंने उनकी वीडियो निकाल लिया था अपने सबूत के हिसाब से. तो फिर मुझे चक्रे ने धमकी दी कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे इसलिए मैं उनके ऊपर कोई FIR नहीं कर पाया. पर जब बात घर पे पता चली और जब बदनामी वाली बात आई क्योंकि पुलिस वाले इधर उधर बोल बोल के मेरी बदनामी कर रहे थे तो फिर मैंने थानेदार राउत साहब से मिला. उन्होंने मेरा केस नहीं लिए. उन्होंने मुझे थाने से वापस कर दिए. फिर मैं आमगांव गया DYSP ऑफिस वहां केस किया और बाय पोस्ट फिर थाने में किया. वहां से SP ऑफिस गया गोंदिया. वहां विनोद अग्रवाल साहब के पास गया मंत्रालय गृह मंत्रालय सब जगह अपना अर्ज दिया मैंने. उसके बाद तपास नहीं हुई. या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी आदेशात करण्यात होती. या प्रकरणी श्री जालिंदा नालकुल उपविभागीय पोलीस अधिकारी आमगाव यांनी प्राथमिक चौकशी केली आहे. त्यांच्या अहवालानुसार 5 पोलीस अंमलदारांचा कसूर सिद्ध होत आहे. त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे आणि त्यांची विभागीय चौकशी आदेश करण्यात आले.